जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, कोर्ट का फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ अब सेना में भी लागू, आजीवन लाखों लाखों का होगा फायदा। दोस्तों ये सब थंबनेल मैंने क्यों बनाया, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ अब सेना में भी लागू, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फैसला जो कोर्ट का है ये 2017 में आ गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक आए दिन मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं और ये हकीकत भी है कि ये सेना में लागू नहीं हुआ। अब जवानों ने भी कोर्ट में केस दाखिल किया तो 27 अप्रैल को ये जवानों के हक में भी फैसला आया है। वैसे दोस्तों ये फैसला सन 2017 में आ गया था लेकिन मिल नहीं रहा था। अब देखिए कहीं जाके लोग जाग रहे हैं तो अब ये आपको मिलने लगेगा। एक कहावत है दोस्तों, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं, यानी कि अगर आपको स्वर्ग देखने की लालसा है तो खुद मरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा पड़ोसी मरे, स्वर्ग में जाए और फिर आपको बताए कि स्वर्ग में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो ये संभव नहीं है। संघर्ष आपको करना होगा, तब जाकर आपको परिणाम मिलेंगे। दोस्तों ये डिसीजन पे आने से पहले मैं एक, जिस भाई ने इसके लिए संघर्ष किया, ये हक आपको दिलाया, मैं आपके सामने उनका जिक्र करना चाहूँगा। मिस्टर पी आई एम पेरूमल, जिन्होंने अपने विभाग से लड़ाई लड़ी, वहाँ पर उनको कोई सफलता नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने कैट में लड़ाई लड़ी, कैट की लड़ाई के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन वो जानते थे कि वो अपनी जगह पर सही हैं, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। कैट के बाद उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया और मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने अपने आप को जो प्रेजेंट किया तो कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना और PIL डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तब जाके मिस्टर PIM पेरूमल को उनका हक मिला। तो दोस्तों उनके इस संघर्ष को मैं तहे दिल से सल्यूट करता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप उनको एक लाइक या एक सल्यूट तो जरूर दें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, और मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि जो जवान 30 जून को रिटायर्ड होता है, यानी 30 जून तक जो अपनी सर्विस देता है, वो 1 जुलाई को रिटायर्ड हो जाता है। अगर वो सर्विस में रहता तो 1 जुलाई को उनको एक इंक्रीमेंट लग जाता, यानी कि वो इंक्रीमेंट जो उनको 1 जुलाई को लगना था वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक पिछले साल का इंक्रीमेंट था, लेकिन अब आगे उनकी सर्विस नहीं है इसलिए वो 1 जुलाई से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनको उनका ये इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। ये संघर्ष किया था मिस्टर PIM पेरूमल ने और इसको स्वीकार किया गया और इनको ये इंक्रीमेंट दिया गया, और उसमें ये कहा गया, स्पेशल कहा गया कि ये पेंशनरी बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल होगा और बाकी किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों और तो आपने करना ही क्या है, जब आप पेंशन आ गए हैं तो पेंशन ही तो चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जवानों को ये इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा। अब पिछले साल ही दोस्तों हमारे एक्स सार्जेंट मनीष ठाकुर जी हैं, उन्होंने लखनऊ AFT में ये केस दाखिल किया, वहाँ पर माननीय जस्टिस मिस्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव और ऑनरेबल वाइस एडमिरल अभिनव रघुनाथ कारवे जी के यहाँ से इनको फैसला मिला है, जिन्होंने PIM पेरूमल के केस का हवाला दिया है और अपने फैसले में कहा है कि द एप्लीकेंट शैल बी गिवन 1 नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2021 एज ही हैज़ कम्प्लीटेड 1 फुल ईयर ऑफ सर्विस
दो हिज इंक्रीमेंट फेल ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर द पर्पज ऑफ पेंशनरी बेनिफिट एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज। यानी कि जिस कर्मचारी ने पूरी एक साल नौकरी की है उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको उसका इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जो जवान, जो कर्मचारी, चाहे वो रेलवे का हो, पोस्टल विभाग का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का हो, सेना का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिपार्टमेंट, जिसने पिछले एक साल सर्विस की है और वो 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है, तो 1 जुलाई को पेंशनरी बेनिफिट के लिए उनको इंक्रीमेंट लगना चाहिए। ये आदेश क्लियर कट है और ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन ये स्वतः कोई भी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं दे रही, इसलिए इंडिविजुअल को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, जैसे ये सार्जेंट साहब गए। अगर ऐसा कोई केस है जिनको वो इंक्रीमेंट नहीं मिला, मिलना चाहिए, उनको भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। और इस तरह के केसों में अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले से आया हुआ है। जिस तरीके से सार्जेंट साहब ने केस लड़ा, 2021 में वो रिटायर्ड हुए, 2021 में ही उन्होंने केस फाइल किया और अब उनको इंक्रीमेंट का जजमेंट भी आ गया। तो इसलिए दोस्तों ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है PIM पेरूमल जी ने जो केस लड़ा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं, तो आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा। और ये इंक्रीमेंट आपको जो लगता है वो आजीवन, जब तक आप, आपके बाद आपकी फैमिली या आपके बच्चे, जो भी पेंशन के इंटाइटलमेंट हैं, तब तक होल लाइफ ये बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। इसलिए आपको ये बेनिफिट लेने के लिए खुद जगना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जो कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था जिससे आजीवन आपको लाखों रुपए का फायदा होने वाला है। तो आप अपना हक लीजिए, अपना संघर्ष कीजिए और अपने सभी साथियों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपको पता है बगैर मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, वो भी सोचती है कि ये काम ख़त्म कर लूँ, वो काम ख़त्म कर लूँ, अभी बच्चा खेल रहा है या सो रहा है, फिर भी बच्चे को रोना पड़ता है, तब जाके माँ उसको दूध पिलाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।